ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ललितपुर लाइव टीवी में मैं अक्षय अलिया आपको आज अभिनंदन तीर्थ क्षेत्रपाल मंदिर जहां पर संत शिरोमणि जन जन के आराध्य परम पूज आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज के समाधिस्थ होने पर विनयांजलि सभा का आयोजन दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के तत्वावधान में किया गया है, जिसमें सभी वर्ग के सभी समाज के लोग आज यहां पर मौजूद होकर अपनी विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष और मंसूरी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल नासिर मंसूरी जी आचार्य श्री के चरणों में आज विनयांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं दिगंबर जैन पंचायत और जैन समाज के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मंसूरी समाज और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से। और मैं दिगंबर जैन समाज से ललितपुर से निवेदन करता हूं कि पुरुषार्थ का इस्तेमाल करते हुए आचार्य श्री के नाम पर इस जनपद में एक शिक्षा का केंद्र भव्य बनाया जाए, जो पूरे बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगह, जिससे कि तमाम ज़रूरतमंद बच्चे और बच्चियां उस शिक्षा केंद्र का लाभ ले सकें और आचार्य श्री को हमेशा याद रखा जा सके। हम पुनः आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ जुड़े हैं मंत्री प्रतिनिधि श्री चंद्रशेखर पंत जी, जो आचार्य श्री के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहे हैं। आज के दिन ललितपुर में क्षेत्रपाल मंदिर में भावांजलि का कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए आयोजित किया गया। आज जैन समाज के बीच में आकर हम सभी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचारों के माध्यम से, उनके चिंतन के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से आज वो हम सभी को आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो हमेशा चिरकाल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि उनके विचार, उनका चिंतन हमेशा अमर रहेगा। और मैं विद्यासागर जी के महाराज के चरणों में आज वंदन अभिनंदन करता हूं उनका, और आशा करता हूं कि जो एक अभूतपूर्व क्षति इस समाज से जो हुई है, वो हालांकि पूरी तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनका जो चिंतन है, वो हमेशा जीवित रहेगा और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जो मोक्ष की ओर कदम बढ़ाया है, उसके प्रति मैं एक चार पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मृत्यु महोत्सव है गुरुवर का, मृत्यु महोत्सव है गुरुवर का, नहीं शोक के पल बने हैं लोकांतिक, देव स्वर्ग में होती है हलचल। मृत्यु देव को आमंत्रण दे, जिनवर की राह चुनी, और एक लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति का, जाएंगे मोक्ष महल। तो मोक्ष महल की ओर जिन्होंने अपना एक और कदम बढ़ाया है, ऐसे युग के श्रेष्ठतम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में मैं अपनी विनयांजलि प्रेषित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेव। हमारे साथ जुड़े हैं विश्वेंदु परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी श्री राम गोपाल जी नामदेव जी, आचार्य श्री के चरणों में विनयांजलि अर्पित करने आए हैं। आज परम पूज्य श्रद्धेय वर्तमान के वर्धमान रूप में हम जिनको देखते हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में हम विनयांजलि प्रस्तुत करने आए हैं। आज जो एक देश में मांग उठी है कि उनके लिए भारत रत्न दिया जाए, मैं समझता हूँ भारत रत्न आचार्य श्री के लायक पुरस्कार नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री स्वयं में पूरे ब्रह्मांड के रत्न हैं। आचार के लिए कोई रत्न, कोई पुरस्कार मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं शासन से ये मांग जरूर करूँगा कि प्रतिवर्ष सत्य, अहिंसा और परोपकार के लिए पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर पुरस्कार हिंदुस्तान के किसी ना किसी व्यक्ति को आचार्य श्री के नाम से दिया जाए। मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए उन्हें सत सत नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर। को लिए ले चल रहे हैं विनयांजलि सभा स्थल पर, जहाँ पर सभी समाज के संत महापुरुष और प्रमुख जनों द्वारा परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में विनयांजलि अर्पित की जा रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री के
जीवन परिचय पर एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, जिसका प्रसारण किया गया और सभी वक्तागण परम पूज्य आचार्य श्री का गुणानुवाद कर अपनी विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। विनयांजलि सभा में उपस्थित भीड़ आप देख रहे हैं, परम पूज्य आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं और भाव परम पूज्य आचार्य श्री के प्रति व्यक्त कर रहे हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री का जनोपकारी कार्य, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एक संदेश दिया, जिन्होंने भारतीय जो प्राचीन संस्कृति भारतीयता की थी उसको एक स्वास्थ्य शिक्षा और आध्यात्म के माध्यम से जोड़कर जगत गुरु से भारत संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु बनकर संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन किया, ऐसे पूज्य आचार्य श्री के चरणों में ललितपुर दिगंबर जैन पंचायत के तत्वावधान में विनयांजलि सभा चल रही है। इन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया था। जिस उम्र में अन्य बालक मनोमुनि दीक्षा के लिए मनोभूमि तैयार हो रही थी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी विसर्ग 2025 रविवार 30 जून 1968 ईस्वी को लगभग 22 वर्ष बाह्य वस्तुओं का परित्याग कर यहाँ पर अभिनंदन पर चल रही थी और इसमें कि वो बैलगाड़ी खींच दे। प्रतिभा स्थली की बहने यहाँ पर धर्म सभा में मौजूद है और तो मैंने उससे कहा यदि गाड़ी से बैल विद्वान जन तो अपनी विनयांजलि अर्पित कर अपने भाव व्यक्त समाज के आस्था और आराध्य के केंद्र है। उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक संदेश दिया और यह विनयांजलि सभा अर्पित करने के लिए यहां पर आए हैं। यह विनयांजलि सभा यहां पर चल रही है। अब मैं ऐसे खोने वाला नहीं हूँ, बैलगाड़ी तो अंदर परिसर तक मैं ही ले जाऊंगा और पकौड़ा जी मंदिर में वो बैलगाड़ी लेके मैं अंदर गया था और वो श्रीफल में आज और मैंने दोनों चरणों की ओर महानुभावों को मातृत्व को मेरा तो परिवार में जन्म लाने के बाद जिन्हें सौभाग्य नहीं मिला वो आचार्य श्री के बारे में कहाँ शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ, ये अपनी गौशाला बहुत मुश्किल है। प्रत्यक्ष भगवान का रूप जो हम लोगों ने देखा और हमारा सौभाग्य है कि इस युग में जन्म हुआ, जो उनके दर्शन और उनके सानिध्य का सौभाग्य हम सभी को मिला। हमने भगवान को कभी नहीं देखा, हमने किसी तीर्थंकर को नहीं देखा, लेकिन आचार्य श्री को हमने जिस रूप में देखा, उनकी मुख मुद्रा, उनकी मुस्कुराहट, उनकी जो बातें हैं वो किसी भगवान से कम नहीं थी और हमने यही मान लिया कि हमारे बाकी तीर्थंकर भी इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करके जैन धर्म और मानवता का संदेश देते रहे होंगे। मुझे तो उनका 1976 से लेकर के और अभी आखिरी तक लगातार दर्शन और सानिध्य का सौभाग्य मिला। मैंने उनके दिव्य रूप को अनुभूति की है। उनके पास जाते ही साथ एक अजीब सी अनुभूति होती थी, जहाँ लगता था कि मैं कहीं मैं किसी दिव्य आत्मा के पास बैठा हूँ। आचार्य श्री कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे मन मस्त में रहेंगे, इस पृथ्वी के कण कण में रहेंगे। उनको मेरी ओर से, पूरे चिकित्सा समुदाय की ओर से मैं विनयांजलि विजय सागर जी को बहुत बहुत नमन करते हैं और मेरा इनसे बहुत ही स्नेह रहा है। इनके दर्शन मैंने पिछली बार जब आए थे गुरुद्वारा साहब में रोक कर दर्शन किए थे और मसावी टेका था। मैं उनको विनयांजलि में आज आया हूँ, मैं अपने को सौभाग्य प्रतीत करता हूँ। मैं जय जय श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, महावीर स्वामी की जय हो। मैं विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और ऐसे महान संत जिन्होंने पूरे देश के लिए पूरे देश का कल्याण किया उनको हम लोग कभी भुला नहीं सकते, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। कार्यक्रम में आया हूँ और मैं नमन करता हूँ आदरणीय आचार्य को। उनके बराबरी में मैं कुछ नहीं हूँ। उनका जो त्याग है, अहिंसा परम धर्म है, मैं चाहूँगा कि उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिए हैं उसको समाज स्वीकार करे
और आगे बढ़ाए। हमने भगवान महावीर तो नहीं देखे हैं, लेकिन आचार्य भगवान को जरूर देखा। तब आचार्य भगवान का सन 1975 में ठोजावा चातर मार्च हुआ, उस समय प्यार करके सोनागर आए। सोनागर जी में उनके साथ सिर्फ कोई मुनि नहीं था, कर्मचारी थे। तो पहले नंबर के प्रसन्न सागर, दूसरे और युग सागर, और चौथे नंबर पर थे समय सागर महाराज जी। चारों सुलक 18 दिसंबर 1976 की शिक्षा हुई और जनवरी में ललितपुर में आए। तब से हमारा आचार्य विद्यासागर से बराबर संपर्क रहा। इसी प्रकार गुरुवर ने यहाँ ललितपुर में 3 वाचना की और तीनों वाचना का ही एक परिणाम है कि आज ललितपुर से सैकड़ों आर्यिका मुनि हुए हैं। सभी संघों में आचार्य विद्यासागर में, प्राग सागर में, बृहस्पति सागर महाराज में, समर्थ सागर महाराज के साथ सभी संघों में ललितपुर के साधु संत है। ये सब आचार्य विद्यासागर महाराज की ही देन है। हमारे साथ जुड़े हैं बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख हरीश कपूर जीटू जी, जानते हैं आचार्य श्री के चरणों में उनकी क्या भावना है। देखिए, हम तो बताएं, विश्व के संत थे, कोई एक जन समाज के संत नहीं थे। उनके लिए उन्होंने जो इस हिंदुस्तान को नहीं संपूर्ण वर्ल्ड को जो कुछ दिया है वो प्रशंसनीय है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने अहिंसा का, गांधी जी के बाद अगर किसी ने वर्ल्ड को अहिंसा का पाठ पढ़ाया तो उन्होंने पढ़ाया। हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, विनयांजलि अर्पित करते हैं। साथ में ये कहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर अगर विश्व चलेगा तो पूर्ण विश्व से हिंसा नाम की चीज खत्म हो जाएगी। मैं उन्हें पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं विनयांजलि सभा में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद गामा जी, जो अपनी भावनाएं लेकर यहाँ पर तीन वाचनाओं में जैन धर्म के हर समाज अपनी बात को समाप्त कर दूंगा और उनकी जो भी मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है और हम लोग सौभाग्यशाली है, हम लोगों ने उनको सुना भी है और देखा भी है। मैं और मेरे पिताजी सदैव उनके पास घंटों में निवेदन करते हैं नगर पालिका वालों से कि उनके तीनों वाचनाओं में हमारे पिताजी चौराहे के नाम आचार्य श्री के नाम चर्चा भी करते थे। आचार्य श्री विद्यासागर लाइव से जुड़े हैं उन्होंने जिंदगी के रामलला ठेकेदार जी, जो कि ललितपुर के बहुत बड़े मछली व्यापारी ठेकेदार थे। परम पूज्य आचार्य श्री के चरण नौका बिहार के समय जब पड़े, आपके चरण सानिध्य मिला, तो आपका जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ है। जानते हैं उन्हीं के मुख से आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयांजलि। आचार्य श्री को सुमन शरबत करते हैं। आचार्य श्री स्वयं भगवान थे, भगवान स्वरूप हमारे जीवन में आए। उनके उनका हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद मिला कि जो हमारा जीवन रुक गया और हमने बहुत सारा कारोबार छोड़ दिया और जीवन भर के लिए शाकाहारी होने का संकल्प लिया और ना ही कभी ऐसा कोई कारोबार करेंगे, ना ही कोई मांसाहार करेंगे। उनका आशीर्वाद हमको ऐसा मिला कि आपके शहर में, आपके मध्य प्रदेश में सब जगह सारा काम चल रहा है। मैंने तो यही समझा कि मेरे ऊपर हाथ रखा था जब मेरे शरीर से एक करंट सा लगा, मुझे से भगवान का दर्शन प्राप्त हुए। वो आज मैं ये सोचता हूँ ना, वो एक मनुष्य रूप में उन्होंने एक अपना जीवन निकाला है। स्वयं भगवान थे और भगवान हैं, भगवान कल्याण जली सभा में व्याधि समाप्त हो जाती थी। पूरा जन समुदाय यहाँ पर जब चरणों में वहाँ आप अपनी दृष्टि ले जाइए, जब पूज्य आचार्य श्री का 21 नवंबर 2018 को यहाँ मंगल प्रवेश हुआ था, एक इतिहास गढ़ा गया था ललितपुर में, एक इतिहास बना रहेंगे। लाखों के लाखों लोग आचार्य श्री के चरणों में यही रस पाने के लिए अणक में आचार्य श्री ने दीक्षाएं प्रदान की थी। यह इतिहास ललितपुर की इस धरा को प्राप्त है। ऐसे वो जो 10 मुनिराज
दीक्षित हुए थे उसमें एक गुजरात जैसे भी थे जिन्होंने अपने वक्तव्य में उस दिन कहा था कि मैं कैंसर से पीड़ित था और कैंसर की मुझे व्याधि थी। आचार्य श्री की कृपा रही कि वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी मेरी दूर हो गई और आज मैं दिगंबरी दीक्षा लेकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के पूज्य आचार्य श्री के चरणों को समर्पित हो रहा हूँ। ऐसे हमारे विराट विशाल प्रस्ताव व्यक्तित्व के धनी और आचार्य श्री थे। अगले क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी पंत पधारें और अपनी भावांजलि को आचार्य जी मंत्र में समर्पित कर किया जाएगा और जो भी हम लोगों या नगर पालिका सभी पार्षदों गणों के विश्वास से उचित होगा उसको वरिष्ठ विचारक कुशल राजनीतिक श्री तिलक यादव जी जानते हैं उनसे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अपने भाव। देखिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक जागृत पुरुष थे, जागृत आत्मा थे, जो इस धरती पर आए थे शांति के लिए संदेश देने, ज्ञान का संदेश देने, और उनके जाने से इस भारत में समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है और वो जो हम लोगों को बता गए हैं रास्ते, हम अगर उन रास्तों पर चल सके तो मैं समझता हूँ कि यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। गुरुदेव आचार्य जन जन के संत थे, उन्होंने जन जन की लिए हर तरह से एक ही बात कहते थे, चरण नहीं आचरण ध्रुव, और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी, उनके प्रति विनयांजलि ये है कि जो उन्होंने अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया है हम उनके बताए मार्ग पर चलें, उनका अनुसरण करें, ये ही हमारी सच्ची विनयांजलि गुरुदेव के चरणों में होगी। गुरुदेव ने देश के प्रति भी जो इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा दिया, आज वो बुलंद है और मोदी जी ने उसी उनकी सलाह पर ही ये इंडिया नहीं भारत बोलो को करा और उन्होंने उसे भारत का नाम भारत दिया। और इसी प्रकार शांति धारा पूरा जेलों में जो कैदी वहाँ रहते थे बिल्कुल खाली बैठे रहते थे उनको भी एक काम दिया, उनकी आय बढ़ी और कैदियों के लिए आचार्य श्री के संबोधन से उनकी बातों से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने जीवन में संयम धारण किया और उन्होंने पाप करना छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात, हर जगह गौशाला और इन सब के लिए जो स्थिति थी उन्होंने पूरा सबके लिए संबोधन दे करके समाज चला। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी विनयांजलि गुरुदेव के चरणों में, मैं भी कोशिश करूं कि मैं उनके बताए मार्ग पर चलूं। सभी को जय जिनेंद्र। भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में चार लाइन कहना चाहता हूँ कि बागर था विविध संप्रतु बागर था प्रतिपत्तये और जगता पुत्रो बंदये सो पार्वती परमेश्वर हो। गिरीशम गणेशम गले नील वर्णम गविंद्राधुरणम गुणातीत रूपम भवम भाषरम भस्मनाम भूष्टांगम भवानी कलत्रम भजे पंचपात्रम। नमस्तु नमस्तु विभवस्मूर्ते नमस्तु नमस्तु चिदानंदमूर्ते नमस्तु नमस्तु तुपयोगम्यम नमस्तु नमस्तु श्रुतियान गम्यम। प्रभो शूलपाणु विभो विश्वनाथम महादेव शंभु महेश नेत्र शिवाकांत शांति स्मरारम पुरारम तदन्यो मदन्यो नमान्यो नगुनिह। जय हो गुरुदेव महाराज की। गजाननम भूतगणाद सेवितम कपित जम्बूफल चार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम और नमामि विदनेश्वर पाद पंकजम। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है जो आचार्य गुरुवर महाराज के आत्मा में था, ऐसा ज्ञान मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा है। जैन मुनिवर समाज के गुरुदेव महाराज हैं,
पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है, तो कलंक काजल से कारी। भजले ओम नमः शिवाय, भजले महावीराय नमः, भजले शांति नाथाय नमः, भजले संसार को सबको भजते रहो, लेकिन भगवान और गुरु को मत भूलना और अपना काम करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुरुवर के चरणों में अपने फिर से विनयामांजलि करता हूँ और आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत रत्न तो उनको दिया जाता है जो कोई कोई महान कार्य करता है या जिन्होंने कोई बड़े बड़े कार्य किए हों। अरे भारत रत्न साधु महात्माओं को या ईश्वर को या भगवान को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आचार्य श्री हम लोग हृदय में उनको भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। साथियों, वास्तव में अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि उनके नाम से पुरस्कार दिए जाने चाहिए, तो मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, न राज्य की बात कर रहा हूं। मैं अपने सम्मानी श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, जो कि सर्वोच्च जैन समाज की समिति है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि 18 फरवरी स्मृति दिवस पर आचार्य विद्यासागर मानव सेवा पुरस्कार जरूर वो एक यहां पर घोषणा करें, जिससे जो हमारे शहर में मानव सेवा के कार्य हमारे इस जनपद के गणमान्य नागरिक कर रहे हैं, उनको आचार्य श्री के मानव सेवा पुरस्कार से सम्मानित कर सके। साथियों, इसी के साथ में एक और थोड़ा सा सुझाव देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने चौराहों का नाम, शहर का नाम, आचार्य श्री के नाम की यहाँ पर घोषणा की है, कहा है, उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हुआ सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ पर संपूर्ण शहर विराजमान है, जो ललितपुर की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आचार्य श्री की एक प्रतिमा किसी ललितपुर में किसी चौराहे पर जरूर लगाई जाए, ये मेरा यहाँ सर मंच से सुझाव है।